काम में है ना, चाय बगान वहाँ गया। लो बेटा आपके लिए चॉकलेट। गंगा देख क्या आई है सुरंग। ऐसे कौन कौन से जानवर निकल सकता है? बात हम तो बड़े समझदार हो गए बिना कहे काम करने लग गए आजकल। और क्या, और झूमने में लगी हुई है। तो हमारे सभी व्यूअर्स को सुबह सुबह की राम राम। आसमान एकदम खुला हुआ है, हवा भी नहीं चल रही आज। कई दिन से क्या हो रहा था कि बारिश की वजह से ना कभी धूप छाए ऐसे चल रहा था, आज लेकिन मौसम बहुत जबरदस्त लग रहा है मुझे। तो मैंने सोचा सुबह सुबह आज मैं वॉक पे चलूं। तो देखो रास्ता कैसा हो रहा है, ये यहाँ मैं खड़ी हूँ, इतना सा जगह है निकलने की पगडंडी, यहाँ झाड़ियाँ है और ये यहाँ से रास्ता पूरा टूट के आपदा में नीचे गिर चुका है और वो नदी है हमारे तल्ला की। सारे कुत्ते मेरे साथ चल पड़े हैं, ये सिम्बा है, ये हाची है, इससे पहले मुझे गिरा दे मैं इस छोटी सी पगडंडी से साइड हो जाऊंगा। ये पीछे वाइटी है, चलो मैं मारूंगी फिर डंडे से अगर लड़ाई करोगे तो। और यहाँ देखो ये घोड़ों का रास्ता भी यही है, तो घोड़ों की लिदे यहीं पड़ी हुई हैं, इनसे भी बच के निकलना बहुत जरूरी होता है क्योंकि फिर ये पैरों में चिपक जाता है ना तो बड़ी मुश्किल से उतरता है। सभी सोच रहे होंगे मेरे मियाँ जी कहाँ है। हुआ ये कि रात को ना ज्यादा देर हो गई इनको एडिटिंग करते हुए, तो सुबह आज ये उठे थोड़ा लेट। कहाँ गए सिम्बा? अपना लगे हैं तीनों खेलने में। कितनी चौड़ी होगी ये नदी, मैं थोड़ा रास्ता पजल हो रही हूँ। देखो मेरे से आगे आगे वो मुझे बता रहे हैं रास्ता यहाँ से है। नहीं काटेंगे बेटा, वो डर रहा है बेचारा के कहीं कुत्ते काटेंगे तो नहीं। तो ये हमारे गांव की एक लेडी है, ये कई बार मुझे बुला चुकी थी अपने घर। हेलो बेटा, आपकी मम्मा कहाँ है? मम्मा काम में गई है। अच्छा, और पापा? ओए सिम्बा गिराएगा मुझे। हाँ वो मेरा डॉग है, ये हमारे नेबर में रहते हैं ना उनका डॉग है। सब गए हैं, कहाँ गए? खेत में गए, कहाँ गए हैं? काम में है ना, चाय बगान वहाँ गए हैं। चाय बगान में गए हैं। अभी तो मम्मी ने मेरी मम्मी ने स्टार्ट करा जाना। अभी स्टार्ट किया है तो क्या पत्तियाँ तोड़ते हैं उधर? चाय पत्ती लगाते हैं। चाय पत्ती लगाते हैं और कटिंग भी करते हैं। लो बेटा आपके लिए चॉकलेट, ये लो आपके लिए भी। अभी मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ साफ सफाई करने। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आप आना क्योंकि उस दिन आया 2 बजे, आप तो पहले चले गए थे। हम चले गए थे उस दिन, कोई काम आ गया था। त्योड़ी जी के आसपास मिले मेरे को। अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं, अभी आ जाओ, आज तो घर में ही है। ठीक है आ जाओ एक बार, ठीक है। अब हाँ जी चलते हैं, चलो सिम्बा चलो आगे चलो। डंडा मारूंगी फिर मैं, लड़ाई करोगे तो कितना खोदोगे। की औरतें यहाँ पे सुबह सुबह ज्यादातर अपने काम पे चले जाती है, कुछ खेत में चले जाते हैं, तो सुबह सुबह यानी 9 बजे तक यहाँ के लोगों का काम घर का खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद। तू क्या कर रहे लब्बे? तू क्या कर रहा था लब्बे? मैं उठा रहा था। खाद के कट्टे हैं ये, तू ऊपर से लेकर आए यहाँ तक? वाह बड़ा दम है तेरे में। हो गए सारे? 4 हैं। अच्छा बैरी वाला रह गया? अच्छा फिर वो आप लेकर आओगे? उठाओ। अच्छा ले आओ। ये भारी वाला सबसे। हेलो बे जवान आदमी तू यार। हाँ जवान आदमी मेरे लिए छोड़ दिया। अरे मैं उठा तो लिया लेकिन सीढ़ियों में नहीं ले जा पा रहा। स्टोर रूम के सामने। तो भारी कट्टा
ओहो बड़ा भारी है। तो गंगा का टास्क है, इसको लेके जाना है स्टोर रूम तक। ओए तो बड़ा भारी। अरे ये पीठ में तो कोई रख दो। पता लग गया तो ये वाला सेकंड भारी वाला दिया। तो मैं तो लेके आया ना। पापा देखना ऊपर का ना। झूमने में लगी हुई है। ओ गई हिल कैसे रही है ये? कांपने में लगी हुई है। ये है मामाअर्थ का उपटन फेस मास्क और उपटन फेस वॉश विद टर्मरिक एंड सैफरन। ये पैराबेन फ्री है और सब स्किन टाइप पे सूट होता है। तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं कोकोनट ऑयल है, वॉलनट बीट्स है, सैफरन एक्सट्रैक्ट है, कैरेट सीड्स ऑयल है। ऐसे बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके फेस को अच्छे से क्लीन अप कर देंगे। पहले मैं अपने फेस को वॉश करूंगी पानी से। वॉलनट्स के जो बीट्स हैं वो मुझे फील हो रहे हैं। आपका पूरा फेस स्क्रब हो जाएगा और इसकी हल्की सी खुशबू भी है। अब मैं यूज करने जा रही हूँ मामाअर्थ का उपटन फेस मास्क विद टर्मरिक सैफरन एंड एप्रिकोट ऑयल। ये हमारी स्किन को ब्राइट करता है और फेस के डार्क स्पॉट्स को भी क्लीन करता है। मैं 15 मिनट के लिए इसको अपने फेस पे छोड़ दूंगी। 15 मिनट हो चुके हैं और मेरा फेस मास्क ऑलमोस्ट सूख चुका है, तो अब मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। ये था मेरा क्विक सा क्लीनअप 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ। मामाअर्थ के सभी प्रोडक्ट बीटा सर्टिफाइड है और मेरा फेस तो ग्लो कर ही चुका है। मामाअर्थ जितना वो प्लास्टिक यूज करते हैं उससे ज्यादा वो रिसाइकल करते हैं। अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो तो आप मामाअर्थ की वेबसाइट पे जाके ऑर्डर बुक कर सकते हो या आप नायका फ्लिपकार्ट अमेजोन यहाँ पे भी जाके आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेरा कूपन कोड है ट्रैकर 2022। आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। क्या कर रहे हो बाल को आज? बात हम तो बड़े समझदार हो गए बिना कहे काम करने लग गए आजकल। और क्या हुँ? अरे सारा झूला खराब हो गया और रस्सी काम की है। हाँ। 2 साल हो गए इसको टंगे हुए है ना। सही कर रहे हो बेटा। ये क्या हो गया? कीड़ा। दरअसल ये हो क्या रहा है, ये बच्चों ने बनाया था झूला यहाँ पे 3 साल पहले की बात है। ये हमारा बाज का पेड़ है, हमारे खेत के बाउंड्री पे है और इस पेड़ की जो शाखा है ना बहुत मोटी साइड से निकली हुई है। ये आप देख रहे होगे झूला था ये, मैंने ना अपना क्या कहते हैं सूरज कुंड मेला, हाँ तो मैंने वहाँ से ये झूला खरीदा था तो मैं यहाँ ले आई थी। अभी बेचारे झूले की हालत तो होगी खस्ता। देखा गंगा वो देखो हाथी झूलता था इस पे और ये देखो ये टूट गया है, सारा गल चुका है। अरे कैसे मैंने झूला था अम्मी वैसे? वो भी रखा है। हाँ क्या तो बोल सकते हो, मैं सोच रही आ गया आइडिया, बच गई चूल दोनों को। अब वही करेंगे जो मर्जी हो जाए। क्या करोगे? उससे भी सूत्र से लेट जाएंगे, आराम करेंगे, बुक पढ़ेंगे। उसके लिए पेड़ भी चाहिए स्ट्रॉन्ग। उसके लिए बेटा दो आपको इक्वल पैरलर वो शाखा चाहिए या पेड़ चाहिए या पोल चाहिए लोहे के। अरे ये दो ना, ये देखो ये खंबे गाड़ो। हाँ ये वाली बल्लियाँ। हाँ, हाँ, और क्या बस की है तुम्हारे बल्लियाँ गाड़ने? पहले गड्ढा करना पड़ेगा फिर गाड़ देंगे। और क्या देख लो, पापा की हेल्प नहीं मिलेगी, अपने आप करना पड़ेगा सारा काम। पहले मेरी हेल्प कर दो ध्यान से। अब कहाँ से शुरू करेगी ये लोड़ी बना रहा है क्या दोबारा से झाड़ियाँ? तो नहीं कटे करिए। हाँ ये थोड़ी सी ना इसमें बेटा ये लग जाता है बीमारी सी पेड़ में। तो मुझे वो अंकल है ना जो कटिंग करके गए हमारे यहाँ मुन्ना दा, उन्होंने बताया। क्या बताया था याद है तेरे को? कौन सा? लाइम सल्फर। हाँ लाइम सल्फर का स्प्रे करना है इसमें। 1-2 दिन में जाऊंगी वो लेके आऊंगी। मम्मी ने कहा है राइट साइड गले में। ये तो नहीं है? नहीं ये थोड़ी ना था। ये नहीं है ऐसा थोड़ी ना था इसमें वो वाला है। हाँ वो है। हाँ यही वाला है। बड़े मजे आएंगे इसमें। वो है कोई रस्सी देखियो इसके साथ मेली जी थी तेरा पुराना वाला पजामा। ये पकड़ो मम्मी, पकड़ो ना यार। हाँ स्ट्रेचेबल रस्सी सी थी ना। ढूंढ इसमें तो खाना रखो। देख इसमें है ये री मिल रही है। चल अब लगाने की कोशिश करते हैं। हाथी तू क्या कर रहा है बाहर है?
शैतानी कर रहे शैतानी, तू भी झूला झूलेगा हैं? सर झूला फाड़ देगा मैं पंजों से। गंगा मम्मी ये देखो क्या हुआ है, ये देखो छोटा बढ़िया है, ये देखो मेरे पास एक और आइडिया आओ चले। आइडिया तो सुनो जल्दी बताओ, मुझे बहुत काम है बेटा आज बाहर के। लंच भी बनाना है। आइडिया है देखो, क्योंकि हम हर जगह ना हमारे पेड़ है, ये हटा दे पूरा ये वाला और ये भी पूरा उखाड़ दे, उसके बाद यहाँ एक वो लगाए बल्ली, यहाँ एक बल्ली फिर यहाँ लगा दे, ठीक है? अच्छा पहला ऑप्शन ये है। दूसरा एक है जैसे जो आपने वहाँ प्लांट्स नहीं लगाए हुए, वहाँ पर दो दो बलिया लगा के वहीं पर ही, यहाँ पर एक बल्ली यहाँ लगा, एक बल्ली यहाँ लगा। तो एक तो ये जगह सही लगती है भेड़े वाली, इधर वाली काम करो, तुम ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं, ठीक है? एक्सपर्ट एडवाइस पता है ना कौन है? पापा। पापा को पूछ के आओ, लो क्यों मैं इतने अपने और काम कर लूं। आज दी एक्सपर्ट लाइफलाइन चूज कर रहे हैं। चलो देखो, पापा को भी पता है इस खेत के बारे में, और जब सब्बल ठोकना तो पापा को ही आता है। सब्बल उठा भी लेगी तू? हमें झूला मिला, झूला वो डिकैथलॉन वाला, तो उसको हम ठोकेंगे, पहले बलियां ठोकेंगे उस पर लगाएंगे झूला। बलियां ठोकोगे ना गट्टे करोगे उसमें बली डालोगे ना? अरे वही तो बात है, हम आज भी एक्सपर्ट लेने आए हैं, आपको हेल्प करनी पड़ेगी। नहीं नहीं पहले मैं काम करूं, मुझे कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अच्छा, क्योंकि यहां से जमीन सरक गई है, हल्की हल्की बरसात आती है, हल्की सक जाती है, तो मुझे इसकी फिलिंग करनी है, और ये जो मलबा है इसको यहां डालना है ताकि ये और नीचे को ना आए, नहीं तो वो रास्ता भी जा सकता है नीचे को। तुमने करना ये कि गड्ढा खोदना, गड्ढा खोदने के बाद ना उसमें जो पत्थर उड़ा होता है ना, पहले बली डाल देना, फिर पत्थर डालना, थोड़ा मिट्टी डालना, उसको ठोकना है उसको, जब तक पूरी मजबूत ना हो जाए ना तब काम करना तुम्हें उसको, ठीक है? और डिस्टेंस देख लेना झूले का डिस्टेंस कितना है, कि बहुत इतना लंबा झूला बना दो कि वो एक एक टांग लाहौर एक टांग पिछड़ जाए, ठीक है? इतना ऊंचा है, चढ़ो कैसे इसके ऊपर? वैसे होता तो आड़ू का पेड़ कच्चा है, कह नहीं सकते। गंगा थोड़ी ज्यादा भारी है, मैं तो हल्की हूँ, कुछ भी ट्राई करो, और अगर टूट गया हो फिर देखते हैं। नहीं टूटेगा पेड़ तो, नहीं शाख टूट सकती इसकी, ये वाली पहले बैठ के देख, और अगर टूट गया तो बाबा टूट तो नीचे। अरे मैं अभी बैठा था, बैठ, वो डर लग रहा है। ओके वो वाला सही है, वो नहीं हिल रहा, ये वाला जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा, ये सी डाक टूट जाएगी। नहीं रहने दे बेटा, पेड़ खराब हो जाएगा, नीचे जड़ हिल जाएगी सारी इसकी। चलो एनी वे, बच्चों को सक्सेसफुल हुआ झूले वाला एक्सपेरिमेंट, कीप इट अप, शाबाश। मम्मी क्यों बनी पड़ी हम मेरे फैरो वाला मम्मी दप्पा गई बन गया तुम्हारा झूला, और क्या, बड़ी जल्दी से चला आपको। ये पेट तो कभी भी टूट सकता है, तो गंगा कभी भी बह सकती है। पॉकेट भी है, अगर अपना सामान डालना है, चिप्स डालने हो, कुछ डालना हो तो इसमें डाल सकते हैं। दिखाइयो, हाँ इसके अंदर डाल, पर ये ना उल्टा बना रखा है। ये गंगा खाने पीने के बहुत शौकीन है, इसमें खाना पीना पा देगी। हाँ, हाँ, उससे ज्यादा तू ही। वैसे भारी भरकम है, मैं सबसे हल्की, अपने घर में सबसे हल्की, बस आज ही से नहीं हूँ, सबसे हल्की हूँ, ठीक है? तो जाना मत बोल, झूठ, मैं बहुत है तुमने वो बोल। मम्मी को ना एक चीज मिली थी कल, ये मुझे पक्का नहीं पता, वो हाँ। इंसान का ये किस्सा है भाई का, वो इतनी बड़ी बोन है और उसके टीथ है नीचे दाढ़ वाले, और जब मैं खाद डाल रही थी ना पेड़ों में, खाद के कट्टे, उस खाद में से निकली है, का है डो, डरोगे तो नहीं? ओ ये देखो ना, ये देखो, इसको पहचान के बताना है किस चीज का दांत और जबाड़ा है। इसके टीथ देख, डॉग वाले तो नहीं है ना लपे, देख मैंने कहा नहीं, डॉग के तो बहुत शार्प होते हैं। गंगा देख क्या है ये सुरंग, सुरंग है यहाँ से, सुरंग यहाँ लगता है मुझे, यहाँ से ना जंगली सुअर आते हैं, यहीं पर ये हमारा जो पेड़ तोड़ा था इन्होंने ही तोड़ा होगा, यहीं से आके उन्होंने डीआईवाई सुरंग बनाया, पूरी प्रॉपर सुरंग है, प्रॉपर।
लेवे तुझे ये लगता है ऐसे कौन कौन सा जानवर निकल सकता है? देख, एक तो यहाँ से गंगा जैसा जानवर निकल सकता है पहली चीज, दूसरी चीज जंगली सुअर निकल सकता है, कुत्ते निकल सकते हैं, बिल्लियां निकल सकती हैं, लवे निकल सकता है, लवे नहीं निकल सकता पर हूं। कब पे खाएगा आज? कैच ही नहीं करा हाची ने। ले 1 2 3 कैच कर ली। इधर खेल रहा बॉल बना के, अब खा गया।